नमस्कार। हैदराबाद सिटी पुलिस ईस्ट जोन के तरफ से आज पिछले दो दिनों से स्पेशल अरेंजमेंट पूरे मार्केट एरियाज में, वेजिटेबल वेंडर्स एरिया में, बड़े बड़े दुकान में, उस सिलसिले में आज यहां जामबाग एमजे मार्केट के पास हमारे साथ जॉइंट सीपी रमेश रेड्डी, डीसीपी ट्रैफिक बाबू राव, एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक नागन्ना, एसीपी, एसएचओ, सभी लोग, सुल्तान बाज़ार अफजलगंज के पूरे स्टाफ आज यहाँ दुकान वालों से इंटरेक्ट किए। सभी दुकान वालों से बात करने पर पता चला कि लगभग 80% सेल अभी भी बिल्कुल बरकरार है जैसा पहले होता था, और जो बड़े बड़े मंडी हैं जहाँ बाहर से लॉरियों से सामान आता है, वहाँ भी ट्रैफिक पुलिस के तरफ से अच्छी इंतज़ाम के मुताबिक रेगुलर सप्लाई हो रहा है। पब्लिक का कोऑपरेशन सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बहुत अच्छा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस बीमारी का इलाज केवल यही है कि हम लोग प्रिकॉशन लें, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें। और अभी यहाँ जामबाग में आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंस बिल्कुल ठीक से है। हमारे पूरे ऑफिसर्स, ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर, सभी विंग 24 आवर्स शिफ्ट सिस्टम में काम कर रहे हैं। हमारे कांस्टेबल ऑफिसर जो चेक पोस्ट पर हैं, उनसे भी हम लोगों ने बात की है, खास करके हर दो घंटे पे अपने हाथ को सैनिटाइज़र से साफ करें, चेहरे पे हमेशा नकाब या मास्क लगा कर रखें। और ऐसे आज ये होली मंथ ऑफ रमज़ान में एक बार फिर मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक बहुत अजीब स्थिति में इस बार रमज़ान आया है, लेकिन आप लोगों का डिसिप्लिन, आप लोगों का सेल्फ डिटर्मिनेशन देखकर हमारे डिपार्टमेंट का भी हौसला अफजाई होता है। और मैं आप सबसे दुआ करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग दुआ करें कि ये बीमारी जल्दी ख़त्म हो और हमारा शहर जल्दी से जल्दी नॉर्मल हो। लेकिन इसके लिए आज कम से कम 7 मई तक बिल्कुल स्ट्रिक्ट लॉकडाउन एनफोर्स बहुत बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।